अभी हम टनल में एंटर हो चुके हैं और एंटर होते हैं यहाँ पर देखिए भाई बहुत खतरनाक मछली है। ये देखिए तकरीबन 10 किलो की वेट की मछली है, एक हाथ से बड़ी मछली है। ये देखिए आप इतनी बड़ी मछली, और उसका मुंह देखो, मुंह देखो, ओए भाई ये जैसे वो आता है ना क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जैसा इसका मुंह है। वगैरह जी भाई टिकट 70 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए तक है। अच्छा भाई आपको स्क्रीन टावर भी है और अंदर एक्वेरियम भी है, उसके साथ आप बढ़िया मछली देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे एक ही जो मछली है मेरे को दिखी है, ये देखिए ऐसे नजर आ रही है जैसे मेरे तरफ आंखें निकाल रही हो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर रॉयल मेला, जो कि कोटा दशहरा मेला ग्राउंड में लग रहा है। जहाँ पर पुराना पहले पशु मेला लगता था वहीं पर ये जो मेला है ये लग रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए काफी बड़ी जो मछली है बनाई हुई है, और रात को जब आप इस मेले में आएंगे तो काफी भव्य मेला ये आपको लगने वाला है। तो देखिए मेरे पीछे यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर जो टिकट वगैरह है वह आप ले सकते हैं, और टिकट कितना रहेगा, इसका टाइमिंग कितना रहेगा, सारा कुछ मैं आपको इस व्लॉग में मेंशन करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको यहां का रॉयल मेला। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर टिकट ले लिया है, और इस तरीके का जो टिकट है आपको मिलेगा, मतलब जो 100 रुपये का टिकट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्वेरियम वगैरह देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ किस तरीके का अंदर वाटर टनल बनी हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर अंदर, और ये देखिए इधर जो एक्वेरियम जाने का रास्ता इधर बना हुआ है, मतलब आप जब अंदर आएंगे तो ये जो साइन बोर्ड है आपको दिख जाएंगे, और साइन बोर्ड के बाद में आप इधर चलेंगे तो फिर से आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा। और यहाँ पर देखिए आप काफ़ी बड़े जो होर्डिंग वगैरह लगाए हुए हैं, और ये यहाँ का एंट्री गेट है, काफ़ी बड़ा एंट्री गेट यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ से हम एंटर हुए हैं। आज स्टार्टिंग है, पब्लिक कम है, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो जो सभी लोग हैं यहाँ पर आते रहेंगे। और ये इधर देखिए काफ़ी बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी गजब का ये जो एक्वेरियम है ये लगने वाला है। आपको हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे, काफ़ी गजब मेला ये लगेगा। और ये जो मेला है दोस्तों 2 महीने तक लगने वाला है, और फिलहाल देखिए यहाँ पर कोई भी इतनी पब्लिक नहीं है, और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। साथ में मेरा छोटा भाई है जो आगे चल रहा है, और पीछे आप देखेंगे तो भी किसी भी पब्लिक ने एंट्री नहीं ली है, मतलब स्टार्टिंग हम ही मान सकते हैं पहले एंट्री मेरी है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं आगे, वहाँ पर गेट बना हुआ है, काफ़ी बड़ा एक्वेरियम यहाँ पर बनाया हुआ है। और जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मछली है, तो ये वाइट कलर की मछली यहाँ पर है, ये आप देखिए इधर। और ये इधर देखेंगे आप तो जो छोटी छोटी मछली है ये आप देखिए इधर, ये छोटी मछली है यहाँ पर और पानी में तैरती हुई। आपको ऐसा अनुभव होएगा जैसा कि आप समुद्र में आ गए हों। ये देखिए छोटी छोटी मछली है इसमें, और ये नीचे भी मछली तैर रही है, ये आप देखिए इधर। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी बड़ी मछली है इधर, बहुत ही गजब माहौल यहाँ पर, फुल कलरफुल मछलियाँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा फील करेंगे आप जैसा कि समुद्र में हो और स्कूबा ड्राइविंग आप मतलब कर रहे हो। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें, रंग बिरंगी, जो कि अभी तैर रही है। गोल्डन फिश भी आपको मिलेगी, ये देखिए आप गोल्डन फिश। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मछली है, तकरीबन मान सकते हैं अपन, ये देखिए एक हाथ से बड़ी मछली है मेरी, ये मान सकते हैं अपन 5 किलो से ऊपर ये मछली है। और ये देखिए ऊपर छोटी छोटी मछलियाँ भी है दोस्तों, ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पर जमा हो रखी है, बहुत ही गजब माहौल है। एक्वेरियम में जब आप अंदर आएंगे काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो गाइस अभी हम टनल में एंटर हो चुके हैं, और एंटर होते हैं यहाँ पर देखिए भाई बहुत खतरनाक मछली है। ये देखिए तकरीबन 10 किलो की वेट की मछली है, एक हाथ से बड़ी मछली है। ये देखिए आप इतनी बड़ी मछली, और उसका मुंह देखो, मुंह देखो, ओए भाई ये जैसे वो आता है ना क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जैसा इसका मुंह है, ये देखो भाई, ओरे भाई गजब माहौल, गजब माहौल। और ये देखो किसका मुंह दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, क्रोकोडाइल जैसा मुंह है इसका। और ये भैया देखो मजा ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए भाई इतनी सारी मछलियाँ अभी इकट्ठी हो रखी है, बहुत ही गजब माहौल है यहाँ का। ये देखिए आप अंडर वाटर टनल का मजा ले रहे हैं आप यहाँ पर मेरे वीडियो के माध्यम से, बहुत ही गजब माहौल है।
और इनके देखिए ऊपर ऊपर है ना बिल्कुल सब कांटे कांटे जैसे हो रहे हैं ऊपर, देखिए स्किन देखिए ऊपर की वाली, इस वाली मछली को देखिए आप बिल्कुल कांटे हो रहे हैं ऊपर। और ये मतलब पूरी जो समुद्र से लाई हुई मछली है, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी, ये देखिए आप इधर। तो गाइस अभी हम टनल में आगे आ चुके हैं और ये ऊपर देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पर। और ये देखिए इधर थोड़ा आपको यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा इश्यू आ रहा होगा, लेकिन देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, तकरीबन 5 किलो से ऊपर ही मछलियाँ हैं जितनी भी है। और ये ऊपर वाइट कलर की देखिए आप, लंबी वाली है, और उसके देखिए मुँह पे कांटे कांटे, ये देखिए कांटे, शायद करंट भी मारती हुई है, कुछ मछलियाँ ऐसी भी आती है जो करंट मारती है। अभी हम अंदर चलते हैं आगे, और छोटी मछली हैं। और ये देखिए भाई, ओ भाई छोटी मछली आ गई, झींगा मछली बोलते हैं इनको, छोटी दोस्तों ये आ गई छोटी मछली, कलरफुल है। और इनकी स्किन देखिए आप, ये गोल्डन पीस जो काफ़ी ज़्यादा दिखती है, वास्तु के हिसाब से भी ठीक होती है। और ये इधर देखिए आप, इधर गोल्डन फिश है और सुनहरी मछली है, ये देखिए आप इधर, हाँ इधर भी चलेंगे, ये नीचे वाइट वाली है, ये देखिए आप इधर मछली। इधर कोटा में सबसे मतलब पहले लगा है और पहली बार ये जो टनलें बनी हुई है, ये देखेंगे आप सुनहरी मछलियाँ, गोल्डन फिश। मैं तो दोस्तों मतलब मज़ा आ गया यहाँ पर आने के बाद में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप यहाँ पर आएंगे काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो गाइस ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ अभी यहाँ पर सो रही है, और इनका मुंह देखिए आप, सब पे कांटे, मतलब काट ले तो मतलब बुखार चढ़ जाए, ऐसे कांटे इनके मुंह पे। अभी मैं कुछ देर पहले बोल भी रहा था कि कांटे वाली मछली भी होगी शायद, तो ये कांटे वाली मछली है, इनके कांटे हैं देखिए काफ़ी नुकीले हैं। और कुछ मछलियाँ देखिए यहाँ ऊपर तैर रही है, अभी एक्टिव मोड में नहीं है, ठंडी की वजह से शायद सो रही है। आई थिंक मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो पानी में रहती है मछलियाँ। ये देखिए भाई यहाँ पे सोगी, यहाँ के सोगी मछलियाँ सारी दोस्तों। ये सबसे खतरनाक मछली है, और इसकी जो स्किन है ना, जैसे टाइगर होता है टाइगर, वैसे इसकी स्किन है देखिए आप, और इसकी बड़ी बड़ी मूछें भी है, कांटे वाली मूछें हैं इसकी। एक ही फीस है इसमें पूरे केबिन में, देखिए आप एक ही फीस में रखी हुई है, काफ़ी बड़ी मछली है। और स्किन देख सकते हैं आप, आँखें भी बहुत खतरनाक है भाई, गजब गजब गजब। ये देखिए भाई, ये देखिए, डर लगता है ऐसी मछलियों को देख के, तो बिल्कुल वाइट फिश है, और इसकी स्किन ऐसे लग रही है जैसे पारदर्शी हो बिल्कुल, ये देखिए आप, और साथ में ये वाली बड़ी वाली मछली। तो गाइस मैंने आपको अंडर वाटर टनल दिखा दिए, और काफ़ी मज़ा आया मेरे को यहाँ पर टनल में घूमने के बाद में। अगर दोस्तों आप भी इस मेले को देखना चाहते हैं, तो शाम का जो टाइमिंग है 5 बजे का है, 5 बजे के बाद में आप कहीं पर भी मतलब कभी भी आकर यहाँ पर इस मेले को देख सकते हैं। और रात्रि में जब आप आएंगे तो जो झूले का आनंद है दोस्तों, वो आपको काफ़ी आकर्षित करने वाला है। तो अभी देखिए पूरी काफ़ी बड़ी लंबी टनल बनी हुई है, और काफ़ी अलग अलग तरह की जो मछलियाँ यहाँ पर इस एक्वेरियम में रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं, कंटिन्यू रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक भी शेयर भी कर दें। तो अभी हम पीछे से हैं, मतलब एंट्रेंस से गए थे उधर, वहाँ पर एंट्रेंस है वो पीछे, और अभी हम आ गए हैं यहाँ पर एग्जिट की तरफ, यहाँ पर गणेश जी हैं पीछे, और ये एग्जिट गेट है पीछे यहाँ पर। और पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो इधर पूरी जो दुकानें वगैरह वो लगने वाली है, आज पहला दिन है यहाँ पर एक्वेरियम का, मध्य जो दुकानें हैं यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है, और ऊपर का जो इफेक्ट है काफ़ी गजब है दोस्तों। ये वाला झूला है दोस्तों काफ़ी गजब है, और जब आप इसमें झूलेंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये देखिए किस तरीके का इसका सेटिंग अरेंजमेंट है, चलिए इनसे पूछते हैं क्या कुछ टिकट वगैरह है। जी मैम क्या टिकट रहने वाला है इसका? इसका हाँ जी 50 रुपये। तो इसका जो टिकट है ये भी 50 रुपये रहने वाला है, और ये आप देखिए अभी तो हमने पूछा था मतलब मिनिमम जो टिकट वगैरह है 50 रुपये है,
और ये जो ट्रेन है आई थिंक इसका भी 50 रुपये होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब 50 से 100 के बीच में टिकट है यहाँ पर। और ये सामने जो झूला है इसको बोलते हैं मिक्सर झूला, मतलब इसमें खड़े रहना है और खड़े रह के आपको करने वाला है मिक्सर। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो यूनिक झूला है, मतलब बंपर कार, और बंपर कार आपने देखी हो मेट्रो सिटीज़ में मिलती है बेसिकली, तो बट यहाँ पर पहली बार जो बंपर कार आई हुई है इस तरीके से आप यहाँ पर आकर और इसका मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी जो कार है यहाँ पर रखी हुई है और काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर जब आएंगे आप। तो इधर मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा आगे चल के, ये देखिए किस तरीके की जो बंपर कार है यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए काफ़ी सारी जो बंपर कार है यहाँ पर है, ये देखिए मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं इसमें, और उसके बाद में चलने वाली एक कार, काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर। भैया बैठे हैं, भैया ने बता दिया कि 100 रुपये टिकट है, और इनसे हम जानेंगे कि और भी कुछ झूले वगैरह हैं यहाँ पर, कितना कुछ रहने वाला है यहाँ पर इनका टिकट वगैरह। जी भाई टिकट 70 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये तक है। अच्छा, इसमें आपको स्क्रीन टावर भी है और अंदर एक्वेरियम भी है, उसके साथ आप बढ़िया मछली देख सकते हैं। तो इस मेले में क्या कुछ खास है बताइए आप? इसमें खास यही है कि इसमें कई प्रकार की मछलियाँ आई हुई हैं, और ये जो यहाँ पहले झूले नहीं लगे थे वो भी आए हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ से लगा है, मतलब मेला एक्चुअली कहाँ से आया यहाँ पर लगा? ये सूरत से आया है फिलहाल, सूरत का है, और कोटा में पहली बार लग रहा है। कोटा में पहली बार आया। तो यहाँ पर भी देखिए जो अलग ही मतलब झूला है ये लगा हुआ है बच्चों के लिए, और काफ़ी आकर्षित करने वाला है यहाँ पर बच्चों को ये झूला। इधर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी यूनिक झूला है, और इसके पीछे देखिए फैन लगे हुए हैं, और जब रात्रि में ये झूला चलेगा तो काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है यहाँ पर बच्चों को। और दोस्तों जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे एक ही जो मछली है मेरे को दिखी है, ये देखिए ऐसे नज़र आ रही है जैसे मेरे तरफ आँखें निकाल रही हो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये झूला भी आप देखिए काफ़ी बड़ा है, कोटा दशहरे मेले में भी नहीं लगा था ऐसा झूला, मतलब ये देखिए इसमें राउंड राउंड होंगे, मतलब ये आप देखिए ऊपर तक, और ये कॉमन झूले हैं जो दशहरे मेले में लगे थे मतलब। तो गाइज ये था कोटा का रॉयल मेला, जहाँ पर मतलब फिस वगैरह भी है और साथ में जो झूले वगैरह है वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसका जो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, मतलब 3 बजे के बाद कभी भी आप आकर यहाँ पर इस मेले को देख सकते हैं, और रात्रि 11 बजे तक ये मेला लगने वाला है। लोकेशन एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, मतलब जहाँ वो पुराना पशु मेला है सीएडी सर्किल के पास में, वहीं पर ये जो मेला है ये लग रहा है। और दोस्तों टिकट वगैरह मैंने आपको बता दिया है, 100 रुपये इसका एंट्री का मतलब टिकट है, उसके बाद में जब आप अंदर आएंगे तो झूले वगैरह का जो टिकट वगैरह है वो 50 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक है, और आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।